समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड क्षेत्र के जहांगीरपुर पंचायत के मधुटोल स्थित नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग में आज स्कॉलरशिप विजेता एवं इंटर में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी, जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह, जिला पार्षद प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक महेश प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं बच्चों को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, जबकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि नॉलेज एकेडमी द्वारा अच्छे तरह से बच्चों को तालीम दी जाती है, जिसका परिणाम है कि बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप देश के विकास में योगदान देना सुनिश्चित करें, क्योंकि देश का विकास आप पर निर्भर करता है। स्थानीय जिला पार्षद स्वर्णिमा सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विषम परिस्थिति में भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। जिला पार्षद प्रियंका कुमारी ने कहा कि खानपुर प्रखंड के बच्चे लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के बेहतरी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक अभियंता शशि रंजन द्वारा आगत अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, चादर, माला, बुके और शील्ड देकर स्वागत किया। आगत अतिथियों द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट 2022 के विजेता रोशनी कुमारी को 5,000, आशीष कुमार को 4,000, आनंद कुमार को 3,000, स्वीटी कुमारी को 2,000 एवं अनुष्का कुमारी को 1,000 रुपए का नगद चेक प्रदान किया गया। समस्तीपुर जिला के खानपुर से संवाददाता उमेश चौधरी की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा कहते थे और वहाँ कॉलेज में जो पढ़ाने वाले लोग होते थे उसे हम प्रोफेसर कहते थे, हम लोग प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। तो हमारे बीच शिक्षक के रूप में काम कर चुके, प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर चुके और आज प्रोफेसर। क्षेत्र संख्या 36 के जिला पार्षद के अभिभावक हैं श्री सत्यनारायण सैनी जी। हम विशेष अनुरोध के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि मंच पर खड़ा होने की कृपा करें। यहाँ इस संस्था के डायरेक्टर, शिक्षक, जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, बच्चों को मैं धन्यवाद देती हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों हमारे समाज एवं देश के भविष्य है, इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़े और बेहतर करने का प्रयास करें। मेरी सहायता आप सबके साथ रहेगी और टीचर लोग से भी अनुरोध करती हूँ जो और अच्छा बेहतर इन लोग को शिक्षा प्रदान कीजिए। धन्यवाद।